हकीम साहब, बात करना चाहूँगी छोटे बच्चों को लेके जो कि न्यू बॉर्न बेबी होते हैं। हमने अक्सर सुना है कि बच्चों की अच्छे से मालिश की जाए तो उनकी जो बोन्स होती हैं वो अच्छी रहती हैं, ताकतवर बनी रहती हैं। तो क्या जो ऑयलिंग करते हैं घर में पेरेंट्स, और बहुत सारे ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं और तरह तरह के वो तेल बनाते हैं कि बस बच्चे की अच्छे से मालिश हो जाए, हमारा बच्चा चुस्त तंदुरुस्त रहे, तो क्या ऐसा भी कुछ है घरेलू नुस्खों में? ऐसे भी कोई ऑयल हैं जिन्हें अपना के हम अपने बच्चों की जो बोन्स हैं उनको और मजबूत कर सकें? अच्छा, देखिए, बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी जैसे होता है तो वो पैदा हो गया लेकिन एक्टिव नहीं है, हाथ पैर भी नहीं चला पाता, पैदल भी नहीं चल सकता, घुटने भी नहीं चल सकता। तो हर जिंदा शख्स को एक्टिव होना ज़रूरी है। अब एक्टिव दो तरह से हो सकते हैं कि या तो वो खुद चले या फिर उसके हाथ पैर कोई चलाए, और हाथ पैर चलाना और मालिश करना तकरीबन एक ही सी चीज़ें हैं। जब उसकी मालिश होती है तो नसों में खून का दौरान बढ़ता है, उसमें ज़्यादा बहने लगता है, अच्छे से बहने लगता है, और बुराई नहीं है इसमें, अच्छा अमल है मालिश करना, लेकिन इससे बॉर्न को कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। बॉर्न को तो फ़ायदा होगा जो कैल्शियम उसके पेट में जाता है अपनी माँ के दूध के ज़रिए, तो माँ को भी अपना कैल्शियम थोड़ा बढ़ा देना चाहिए जब वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, और बॉर्न मजबूत होती है। माँ को चाहिए कि दूध पिया करें और उस दूध में, अपने दूध में, बच्चे के नहीं, 2 चम्मच बादाम का तेल डालकर पी लिया करें। इससे काफ़ी ताकत बच्चे की बॉर्न को मिलती है और माँ को भी मिलती है। ये अमल अगर आप करते हैं, और मालिश करने में कोई बुराई नहीं है, मालिश कर सकते हैं। स्वागत है आपका। अभी गाय गोंचिया आया था तो उसको तोड़ रहा था, तो तोड़ते तोड़ते जहन में एक बात आई, मैंने पूछ लू कि अगर आधे ग्राम के टुकड़े खाए तो ये कलर ये अंदर जाके गलेगा कि नहीं गलेगा ये? अच्छा, देखिए, वो एक बात याद आ रही है, गांव में मैं गया तो एक आदमी का हाथ नहीं उठ रहा था, एक्सीडेंट हो गया था और बहुत दिन हो गए थे एक्सीडेंट को। मुझे पहले मुझसे बड़े थे वो, हैं, ओके, मैं क्या करूं, कुछ हो नहीं रहा, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे गौंसिया खरीदो और उसे खाओ, वो थोड़े पढ़े लिखे तो है नहीं। तो वो गए दुकान पर, मैंने बताया फला दुकान पर असली मिलता है, वो वहाँ गए और उन्होंने 10 ग्राम खरीद लिया, और ऐसे वो उन्हें कहते वो बाढ़े हाथ है, इस हाथ ये हाथ है उनका सीधा और ये उनका उल्टा, जैसे हमारा ये सीधा। अब वो वहाँ से ही ऐसे खाते हुए आ गए, मुँह में डाल लिया ऐसे जैसे चने खाते ना, ऐसे उछाल खाया और चले गए घर पर। नींद आ गई, सो गए, सुबह को उनका हाथ उठने लगा, तो मुझे अगले दिन मिले तो कहने लगे यार कमाल हो गया, मेरा हाथ उठ गया रात रात में। तो मैंने कहा खा लिया वो सारा आपने इतनी जल्दी? देखो मैंने तो एक खुराक ही खाई है, बाकी तो मैं पढ़ी है, अब क्यों खाऊं? तो उन्होंने ऐसे ही मोटा खा लिया, थोड़ा मोटा मोटा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वन पीस में इतना बड़ा पीस खाना कहीं अंदर फंस जाए तो कोई परेशानी नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा तो पतला कर ले, थोड़ा तोड़ ले उसे तो अच्छा है, चाहे पूरी तरह पाउडर ना बनाए लेकिन दर्रा सा कर ले, थोड़ा थोड़ा उस पर वो इमाम दस्ता मार के थोड़ा बारीक कर ले थोड़ा सा, तब ज़्यादा बेहतर है। पूंजा पटेल जी, स्वागत है आपका। जी मैम। जी बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? जी नरसिंहपुर से। आपका सवाल? हमारा सवाल ये है कि हम लोग के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहा है 1 महीने से। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है 23 वर्ष। ठीक है जी। 23-24। देखिए, बालों के लिए एक रॉ मटेरियल आता है लेकिन वो असली लेना ज़रूरी है, गौन मोरिंगा सफ़ेद कहलाता है, असली वाला। हम दुकान पे जाते हैं तो कोई पीला रंग का देता है, वो नहीं लें, कोई
लाल रंग का देता है वो नहीं, गौंद मोरिंगा सफ़ेद, 1 ग्राम रोज़ाना पानी के साथ, दूध के साथ या नारियल पानी के साथ 2-3 महीने लें और आप इससे 2-3 फ़ायदे उठा सकते हैं। मुहासे नहीं निकलते इससे, रोकथाम है मुहासों के लिए और बालों की ग्रोथ है बहुत, काफ़ी ग्रोथ करता है। मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, बुढ़ा आदमी हूँ, और जो बच्चियाँ छोटे कद की हैं और अंडर एज है, मतलब उम्र बढ़ने की उम्र है उनकी, वो 1 ग्राम ले सकते हैं रोज़ाना, बस 1 ग्राम पानी, दूध या नारियल पानी के साथ लिया करें, आपको फायदा मुमकिन है। जी, पंजाब से है लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार वीर जी, स्वागत लता जी का हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार वीर जी। वीर जी मैं ये पूछना चाहूँ, हम जो जैतून का सिरका लेते हैं उसके उसके लेने से हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, और हम क्या इसमें हल्दी की चुटकी डालकर ले सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। हल्दी की चुटकी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चुटकी या 2 चुटकी एक दिन में, तो इसकी तासीर को गर्म करता है थोड़ा और अच्छा काम करेगा। और इसके लिए आपको हड्डियों के लिए कैल्शियम ही लेना होगा। कैल्शियम हम लोग आसान भाषा में चूना को कहते हैं, तो वो एक चावल के बराबर चूना अगर 1 हफ्ते में 1 बार भी ले लिया जाए तो हमारी हड्डियों की ग़िज़ा है ये, और हड्डियों से और स्किन से बड़ा ताल्लुक़ है चूने का। तो वो जो पनवाड़ी चूना पान पर लगाता है वही चूना, बस एक चावल की बराबर काफ़ी होता है 1 हफ्ते में 1 शख्स के लिए, आप इस्तेमाल किया करें।